बच्चों, अब हम समानांतर चतुर्भुज से संबंधित एक और प्रमेय के बारे में बात करेंगे। इसे हमने 11-1 क्रमांक दिया है और ये प्रमेय कहता है कि किसी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये कथन है समानांतर चतुर्भुज के बारे में और इसे हम इस चित्र में समझने की कोशिश करें। एक ABCD समानांतर चतुर्भुज है और समानांतर चतुर्भुज के गुणों में आपने देखा है कि यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर हों तो वो चतुर्भुज समानांतर होता है। यानी इस चतुर्भुज ABCD में आप कह सकते हैं कि AB और DC ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं और ठीक इसी तरह से भुजाओं का दूसरा जोड़ा AD और BC भी एक दूसरे के समानांतर है। तो इस तरह से इस चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर हैं। तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। AC उस समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण है। ये विकर्ण AC पूरे चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट रहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD। तो ये प्रमेय कहता है कि जो त्रिभुज हमें मिल रहे हैं दोनों, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो इसे हम लिख लें कि हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज, पहला वाला त्रिभुज जिसे हम ABC कह सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। अब इस सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुज के सर्वांग समता के नियमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आप पहले कई बार कर चुके हैं। तो देखिए हम क्या क्या हमें मिलता है। अब इन त्रिभुजों में आप यदि गौर से देखें तो चूंकि शर्त दी हुई है कि AB और DC समानांतर है, तो हम लिखें चूंकि AB समानांतर DC के, ये दिया हुआ है। समानांतर चतुर्भुज के गुण से हमें यह पता है। तो इन दोनों समानांतर रेखाओं को AC तिरक रेखा यदि काट रही है तो आप देख रहे हैं इससे दो कोण बन रहे हैं। ये कोण जिसे आप C का एक हिस्सा कह सकते हैं या DCA कह सकते हैं, वो CAB के एकांतर कोण के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोण DCA बराबर कोण CAB, जिसे हमने नीले रंग से इस तरह चिन्हांकित किया है, इन दोनों कोणों की हम बात कर रहे हैं, DCA बराबर कोण CAB, ये एकांतर कोण है और दो समानांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा AC के काटने से बन रहे हैं। ये हम लिख लें AC तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है। तो एक कथन हमें ये मिला। फिर से एक बार आप देखिए, अब चूंकि फिर से हम देखें कि AD और BC समानांतर है, AD समानांतर है BC के और फिर से तिर्यक रेखा AC उन्हें काटती है, इसे फिर से लिख लें AC तिर्यक रेखा उन्हें काटती है। तो जब भी समानांतर रेखाओं के किसी जोड़े को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब की बार आप यहां ध्यान दीजिए, जो लाल रंग से रेखांकित है उस कोण को देखिए, AD और BC समानांतर रेखा है और तिर्यक रेखा AC उन्हें काट रही है, तो ये जो कोण का सेट बन रहा है वो एकांतर कोण है, कोण DAC बराबर कोण ACB, ये भी एकांतर कोण है, अब आपने दोनों त्रिभुजों में दो कोणों को एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर दिया। ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तीसरा कोण अपने आप एक दूसरे के बराबर हो जाता है। लेकिन हमें एक भुजा को भी देखना होगा, क्या दोनों त्रिभुजों में कोई ऐसी भुजा है जो बराबर है। आप देख रहे हैं कि भुजा AC दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है, तो आप तीसरी जानकारी के आधार पर लिख सकते हैं कि भुजा
एसी बराबर भुजा एसी जो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अब तीन जानकारियां आपको मिली कि किसी त्रिभुज के दो कोण और उन कोणों के बीच की भुजा यदि आपस में बराबर है दोनों त्रिभुजों में, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज सीडीए के, त्रिभुज सीडीए, और यही आपको सिद्ध करना था। तो अब तक आपको दो गुण मिल गए। पहला गुण तो यह था कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग चार समकोण होता है, और दूसरी बात जो आपको मिली वो समानांतर चतुर्भुज के संदर्भ में है कि किसी एक समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। यदि विकर्ण BD होता तब भी आप इसी तरह से सिद्ध कर सकते थे कि जो बनने वाले दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम है। तो ये आपका प्रमेय 11(1) सिद्ध हुआ कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है।